बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको ये बताया जाएगा कि DAP की कीमत में तो मज़ीद इजाफा होता जा रहा है, यूरिया भी नहीं मिल रही। ऐसे हालात में क्या किया जाए, किस तरफ जाएँ? क्या फसलें काश्त करनी है? मुझे भी काश्त करनी है, लाखों एकड़ के ऊपर लगती है। आपको मालूम होना चाहिए कि एग्रो फर्टिलाइज़र ने फी बोरी जो है ना 1700 रुपया इजाफा कर दिया, और इस वक्त 12100 रुपया जो है ये DAP का रेट हो गया है। तो फौजी फर्टिलाइज़र की तो भी 700 रुपये से कम है भर का, ये वो भी जल्दी हो जानी है। ये तो आप जानते हैं कि रुपए की बेकदरी और डॉलर की ऊंची उड़ान के सबब और सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से हर शय आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। तो अब क्या करें, किधर जाएं? मुंजी लाखों एकड़ पे लगनी है, खाद के बगैर पैदावार नहीं आती। मेरा मशवरा यह है कि DAP के पीछे पड़ने की बजाय, बल्कि आज एक मैंने खबर सुनी है कि DAP की सेल में जो है ना 40-50% तक जो है ना उसकी सेल में कमी वाक़ होगी लोगों ने। इसी तरह पेट्रोल जो है, पेट्रोल भी 40% तक उसकी खपत जो है वो लोगों ने कम कर दी। तो इस हद तक महंगा कर दिया है कि लोगों ने इसको कट ही लगा दिया है। पर क्या है, ये मजबूरी है। मेरा मशवरा ये है कि तेजाबी खादें हैं, P44 है ये, आप 10 किलो फी एकड़ के हिसाब से DAP की जगह पे आप साल के तौर मूंजी है, मूंजी काश करने के 10 दिन बाद डाल दें, आपको बिल्कुल DAP की एक बोरी के बराबर ये आपको रिजल्ट देगी। देखें, ये तेजाबी खादें हैं, 2-3 किस्म की हैं। एक ग्रोथ शुरू वाली स्टेज की रूट डेवलपमेंट के लिए, एक पौधे का जिस्म बनाने के लिए, वेजिटेटिव के लिए 16x23 जो है, 16x23 आपको पता है इतनी ज़बरदस्त प्रोडक्ट है कि जो काश्तकार इसको एक मरतबा इस्तेमाल कर लेता है वो इसके ऊपर लाग ही जाता है। तो इसके अंदर ना सिर्फ फास्फोरस है, पोटाश भी है, नाइट्रोजन भी है। तो इसी तरह इसके जो है ना 16x23 ये 2 मरतबा करनी चाहिए था, 3 हफ्ते बाद, और मुंजी मुंतकिल करने के 5 हफ्ते बाद कर लें तो आपको मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक इससे निजात मिल जाती है। फास्फोरसी खादों की जो है ना वो ये कमी पूरी कर देती है, और साथ ही यूरिया भी इसके अंदर मौजूद है। सिर्फ इसके साथ आधी बोरी यूरिया इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है। तो आज की वीडियो का मेरा खुलासा यह है कि DAP नहीं मिलती तो इसकी बजाय जदीद तेजाबी खादें इस्तेमाल करें। आप इसकी तरफ आएँगे तो बात बनेंगे, अगर बिल्कुल इसको छोड़ देते हैं तो फसलों की पैदावार जो है ना वो बुरी तरह गिर जानी है।